हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डू यू वांट टू स्पीक ऑल दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश टुडे? देन टुडे यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, ओके? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, हम हिंदी में तो बोलते हैं ना डेली रूटीन लाइफ में, अरे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो इस इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि जब भी आप हैव शुड नॉट हैव यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे P3 यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ओके? V3 means working third form. Come का भी third form कभी होता है, but go का क्या होगा? Gone हो जाएगा, okay? Say का said हो जाएगा। Now let's start, let's make sentences. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसको English में बोलिए, You should not have gone there. You should not have gone there. तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। You should not have come here. You should not have come here. तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। You should not have said like that. Say का said हो जाएगा। V3. You should not have said like that. तो ऐसे sentences और नए नए sentences बनाइए और English में बोलिए। Keep practicing speak in English.